हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वंडरफुल मील। मैं ज्योति, आज मैं आप सभी के साथ कच्चे चावल की एक अनोखी मिठाई लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार व क्रिस्पी है। और तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, घर में रखे सामान से आसानी से बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखिएगा, और हाँ, देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार बनाकर जरूर खाएं। तो चलो बनाते हैं कच्चे चावल की अनोखी व टेस्टी मज़ेदार मिठाई। यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिया है। चावल आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, और इन्हें एक घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। उसके बाद पंखे के नीचे चादर पर अच्छे से फैला देंगे, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। कढ़ाई को रखा गैस पर, इसमें डाला रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, चावल का पानी भी सूख गया है, तो चावल को इसमें डालकर अच्छे से सेक लेते हैं। चावल को तब तक सेकते रहेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन कलर यानी सुनहरे रंग के ना हो जाए। चावल को तब तक सेकते रहेंगे। और हाँ, इसे सेकते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है। इस बात का स्पेशली याद रखना, चावल को जितना धीमा धीमा सेकेंगे चावल उतना ही अच्छा सिकेगा। और इससे सेकने के लिए रिफाइंड ऑयल या फिर घी ही यूज करें, कोई भी स्मेल वाला ऑयल यूज ना करें। इससे सेकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। चावल हल्का हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं। अब टोटली चावल हमारा सेक के तैयार हो गया है, इसे ऑयल से बाहर ले लेते हैं। लो, ये हमारे क्रिस्पी गोल्डन कलर के राइस रेडी हैं। और आप देख सकते हैं, चावल को मैंने छलनी में पेपर बिछा कर लिया है। छलनी को थाली के अंदर रखा है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल थाली के अंदर आ जाए। अब मैंने यहाँ कुछ मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, मस्कमेलन सीड्स, नारियल और अखरोट लिया है। इन सभी को मैंने बड़े बड़े पीस में काट लिया है। साथ में पिस्ता और थोड़ा सा नारियल बुरादा लिया है। पैन को रखा गैस पर, इसमें डाला 1/2 टी स्पून घी और इसे गरम करते हैं। अब जो मेवा ली थी ना, पिस्ता व नारियल बुरादा को छोड़कर सभी मेवा को इसके अंदर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन मेवा को हल्का हल्का सा सेक लेते हैं, और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। मेवा हमारी सेक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब 1 कटोरी चीनी डालते हैं, साथ में 1 कटोरी ही पानी डालते हैं, यानी जितनी चीनी लिया है उतना ही पानी लेना है। और इसकी चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर चाशनी एक तार की नहीं बनानी है, बल्कि इसे हल्का सा पकाना है कि चिपचिपी हो जाए। आप देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा चाशनी में कितने अच्छे से पक के तैयार हो गई है, और चाशनी भी हमारी हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है, चिपचिपाने लगी है। तो अब इसके अंदर जो चावल कुरकुरे बना के रखे थे ना, उन्हें ऐड कर देते हैं। अब इसे चला लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि अब चावलों को चाशनी में 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब तक चावल चाशनी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए, तब तक इसे पकाते रहना है और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, चावल चाशनी के अंदर कितने अच्छे से पक रहा है, यानी एक प्यारी सी मिठास तैयार हो रही है चावलों के अंदर। याद रखना, पकाने वाली प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करना है। आप देख सकते हैं, चाशनी चावलों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करती हूँ और इसे चला लेते हैं। चावलों को थोड़ा सा और पकाना है। तो ये पककर तैयार हो गया मिठाई के लिए चावल। चाशनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब इसे थाली पर पलट लेते हैं। इसके लिए थाली पर घी लगा लेते हैं चारों तरफ। अब जो नारियल बुरादा लिया था ना, उसे डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा पूरे में, साथ में पिस्ता और खरबूजे के बीच।
सभी को अच्छे से फैला दिया है। अब चावल वाला मिक्सचर इसके ऊपर डालकर अच्छे से फैला देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब थाली को हल्का सा टैप कर देते हैं और इसे 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके चारों तरफ चाकू घुमाते हैं ताकि ये थाली से आसानी से बाहर निकल आए। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं और उसे भी पलट लेते हैं। थाली को ऊपर से हल्का सा टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं हल्का सा टैप करने पर पूरी मिठाई बाहर आ गई है। कितनी अच्छी और यम्मी लग रही है, मन कर रहा है ना खाने का। कितनी सॉफ्ट है ये भी दिखाती हूँ आपको। हाथ से आसानी से टूट गई है, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। आप इसे बर्फी के शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसा पसंद हो वैसा कट कीजिए। और तो 20 से 25 दिन तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और डेली थोड़ा थोड़ा खाकर कच्चे चावल की अनोखी मजेदार मिठाई का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद लाइक और शेयर भी करना। साथ में जो हमारे चैनल पर न्यू है, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं व पसंद कर रहे हैं, वो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे क्या होगा हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकेगी। थैंक यू।